Hello dear learners, welcome to Sim India Technical Education Platform. I'm Addition, your mentor here. Today's topic of discussion is bearing materials. So let's start. So this presentation includes prerequisites, means the things that you need to know before starting today's topic. After that, introduction of today's topic, then desirable properties of bearings, and after that, bearing materials composition and their applications, and further special kind of materials like sintered metal bearings, and at the last related questions. So let's begin. So before going through this topic, we must know about design cycle. So I hope you all are very aware about this topic, that is design cycle. So let's try to recall it. तो जैसा आप सब जानते हैं कि किसी भी डिजाइन प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है, जहां से हम डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो है फंक्शन स्पेसिफिकेशन। यानी जब कभी भी किसी मैकेनिकल एलिमेंट को हम डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा है उस मैकेनिकल एलिमेंट के फंक्शनिंग को स्पेसिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए हम सीलिंग फैन के हैंग करने के लिए एक रॉड डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका हम फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें तो उस रॉड का फंक्शन क्या है, उस रॉड का फंक्शन है उस रोटर ब्लेड असेंबली के वेट को हैंग होल्ड करना। दिस इज द फंक्शन। इसके बाद अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है हमारा फोर्स एस्टिमेशन। यानी उस कॉम्पोनेंट पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना, और उन फोर्सेस की वजह से क्या स्ट्रेसेस इन्वॉल्व हो रही, उनको आइडेंटिफाई करना। आफ्टर दैट वी प्रोसीड टुवर्ड्स दिस मैकेनिकल मटेरियल सिलेक्शन प्रोसेस। मीन्स आफ्टर एस्टिमेटिंग द फोर्स, वी आर नीड टू चूज अ एप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर दैट मैकेनिकल कॉम्पोनेंट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मटेरियल सिलेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद हम बात करते हैं आगे कि जब उस कंपोनेंट पर फोर्स अप्लाई होगा, तो वो उस फोर्स पर क्या फेल्योर हो सकता है, उस कंपोनेंट में किस तरह का फेल्योर हो सकता है, तो वो हम फेल्योर एस्टिमेट करते हैं। फेल्योर एस्टिमेशन के बाद हम उसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, उसकी डायमेंशन को एस्टिमेट करते हैं। तो जब हम डायमेंशन को एस्टिमेट करते हैं, उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो मटेरियल चूज किया गया है उसमें क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जो फोर्स अप्लाई किया गया है उससे क्या स्ट्रेस इन्वॉल्व हो रही है। इन दोनों को ध्यान में रखते हैं, उसके हम डायमेंशन कैलकुलेशन करते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं रिफाइनमेंट की। वंस वी कैलकुलेटेड अ डायमेंशन, देन वी रीथिंक ओवर इट एंड ट्राई टू रिफाइन द डायमेंशंस। हम चेक करते हैं कि कहीं कोई चीज हमसे छूट तो नहीं रही, जिसको हम कंसिडर ना कर पाए हों। सो वी लुक टू ट्राई टू जस्ट रिफाइनमेंट ऑफ द डायमेंशन, अगर रिक्वायर्ड है तो, अगर नहीं है तो इट्स ओके। सो पहले, इसके बाद हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं डायमेंशन को, एंड फर्दर व्हेन वी सेटिस्फाइड देन वी गो फॉर दिस ड्रॉइंग प्रोसेस। मीन्स आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स, द फाइनल स्टेप इज ड्रॉइंग, मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट, मीन्स we convert that particular dimensions in form of drawing, and now here your design process will stop, and that particular drawing will go to the manufacturing section for the further processing. So this is all about your design process. So yahan par jo sabse important cheez humne dekhi wo hai aapka material selection. This plays a very very important role for any mechanical component.
So while selecting material for any component, we must follow the number of things जो आपने कभी आगे पढ़ा भी होगा, अदरवाइज मैं आगे बात भी करूंगा कि मटेरियल सिलेक्शन कैसे करते हैं, किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे बेरिंग मटेरियल्स के बारे में, कि अगर हमें बेरिंग डिजाइन करना है तो बेरिंग के लिए हम कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, इन सब चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड, बात करते हैं कि बेरिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप बात करें सबसे पहले तो देखते हैं कि इस बेरिंग के मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम एक अच्छा मटेरियल या एक मटेरियल हम बेरिंग के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जब कोई भी किसी कंपोनेंट के लिए हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो हमारा एक ही पर्पस होता है वहां पर, कि मटेरियल और द पर्टिकुलर कंपोनेंट मस्ट सर्व द पर्पस फॉर विच इट इज डिजाइन। जिस काम के लिए उस कंपोनेंट को डिजाइन किया गया है उस काम को अच्छे से तरीके से परफॉर्म करे, और इसलिए हम किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, एक अप्रोप्रिएट मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। यानी पहला जो प्राइमरी फंक्शन उसका होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, यानी जिस पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए आपने उस कंपोनेंट को चूज किया है, क्या वो मटेरियल उस तरह के फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सबसे पहला जरूरी जानना है। क्योंकि मटेरियल की जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि आपके कंपोनेंट की सर्विस लाइफ कितनी होगी, आपके कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए किसी भी बेरिंग के मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है मटेरियल के लिए वो हम बात करना जरूरी है। तो वो भी अभी हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा था, तो बेरिंग के लिए अगर हम बात करें क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप देखें कि बेरिंग का बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है, एक तरह से फिक्स पोर्शन ऑफ द मशीन एंड रोटेटिंग पोर्शन दैट इज शाफ्ट और जर्नल, इन दोनों के बीच में एक लुब्रिकेशन या बेसिकली कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन रिड्यूसर का काम करता है, कि फ्रिक्शन को कम करना। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में है फिर उनका अगर रिलेटिव मोशन है तो वहां फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। तो अगर आप बेरिंग डाल देते हैं बीच में मशीन के फिक्स पोर्शन और रोटेटिंग पोर्शन के बीच में, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जिससे कि एनर्जी लॉस कम होता है। तो बेरिंग का यही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर। तो इसकी हम बात करें तो ड्यूरिंग मिस सर्विसिंग दिस रिक्वायरमेंट्स, जो मटेरियल होना चाहिए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिंग मटेरियल्स। सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस वी मस्ट नो अबाउट दिस बेरिंग एंड शाफ्ट पेयर। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जो बेरिंग है और जो शाफ्ट है इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो इस रिलेटिव मोशन के वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। बेसिकली जो बेरिंग है एक्चुअली फ्रिक्शन रिड्यूसर का ही काम करता है। जब आप कोई मशीन का जो फिक्स पार्ट है और जो आपकी बेरिंग है और जो आपकी शाफ्ट है, तो शाफ्ट और मशीन फिक्स पोर्शन के बीच में बेरिंग ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो फ्रिक्शन रिड्यूसर का काम करता है। तो डेफिनेटली यानी कि जो बेरिंग का और जो शाफ्ट का पेयर है ये हमेशा एक साथ रहता है और दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन रहता है। तो इनकेस अगर इन दोनों कंपोनेंट्स की हम कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली जो शाफ्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मटेरियल यूज होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने में टाइम ज़्यादा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। और वहीं पर अगर हम देखें बेरिंग, तो बेरिंग छोटा कंपोनेंट है, इसमें मटेरियल कम लगता है और उसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो जब कभी भी अगर हमें ये बात डिसाइड करनी हो या चूज करना हो कि अगर हमें दो में से कोई एक ना एक कंपोनेंट डिस्कार्ड होगा, खराब ही होगा, तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली चूज करेंगे कि बेरिंग खराब हो जाए, शाफ्ट को हम सेव करने का कोशिश करेंगे।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे चीजें जो हैं वो बात करनी है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी की हम बात यहाँ पर करेंगे कि जो बेरिंग का मटेरियल है वो कभी भी जनरल सरफेस से स्टिक नहीं करना चाहिए, वेल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके सपोज हायर टेम्परेचर एप्लीकेशंस के अंदर सपोज करिए बेरिंग के जो मटेरियल है वो शाफ्ट पे स्टिक कर गया या वेल्ड हो गया, तो डेफिनेटली हमारा शाफ्ट खराब हो जाएगा, उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसके बाद हम बात करें तो अगली प्रॉपर्टी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, यानी बेरिंग मटेरियल मस्ट हैव गुड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। द रीजन इज कि जो भी आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है शाफ्ट एक टॉर्क को भी ट्रांसमिट करता है और शाफ्ट पर कुछ वर्टिकल लोड्स भी होते हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस के अंडर जो आपका फोर्स अप्लाई होता है बेरिंग पर वो एक तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। उस कंप्रेसिव स्ट्रेस को स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर करने के लिए मटेरियल मस्ट हैव अ वेरी गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके बाद अगर हम आगे और बात करते हैं तो आता है हमारा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है लाइक कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक शाफ्ट की बेरिंग्स के अंदर, तो वहां पर हम देखते हैं कि कुछ हमारे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होते हैं, जहाँ स्ट्रेस फ्लक्चुएट करता है। तो इन दैट केस दैट कंपोनेंट मस्ट पजेस गुड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो मटेरियल के अंदर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर कंफर्मेबिलिटी की, तो कंफर्मेबिलिटी क्या होती है कि जब हम शाफ्ट पर लोड अप्लाई करते हैं या शाफ्ट पर लोड अप्लाई होता है और बेरिंग पर नीचे सपोर्ट होता है, तो जैसा मैंने बताया कि उस पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, तो जब लोड आएगा तो लोड की वजह से कई बार क्या होता है कि जो शाफ्ट है उसका उसके अंदर एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। सो ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन दैट बेरिंग मटेरियल मस्ट कंफर्म दैट शेप। उस शेप को जो लोड की वजह से शाफ्ट की शेप में थोड़ा सा चेंज आया है, टेम्पररी चेंज आया है, उस शेप को वो बेरिंग मटेरियल अडॉप्ट कर पाए। सो दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेबिलिटी। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे इम्बेडेबिलिटी की। तो इम्बेडेबिलिटी क्या है कि जब आप लुब्रिकेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सपोज सेमी सॉलिड टाइप का लुब्रिकेशन किया, लाइक ग्रीस आपने उसमें यूज की है, तो शाफ्ट और बेरिंग के बीच में अगर आपने ग्रीस किया और उस शाफ्ट पोर्शन और उस बेरिंग पोर्शन को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया किसी हाउसिंग के थ्रू, इन्वायरमेंट से कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जाकर के फंस जाएंगे और वो जो सिरेमिक पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, दैट मे स्क्रेच द सर्फेस ऑफ योर जर्नल। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर सपोज करिए आप बेरिंग को कवर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो पार्टिकल अंदर गया है दैट पार्टिकल मस्ट एम्बेडेड इन द बेरिंग सरफेस, बेरिंग के अंदर वो धंस जाना चाहिए, ताकि वो फर्दर जो शाफ्ट का सरफेस है उस सरफेस को स्क्रेच ना करे, डैमेज ना करे। सो दैट इज कॉल्ड एम्बेडेबिलिटी। सो द बेरिंग मटेरियल मस्ट हैव गुड एम्बेडेबिलिटी ऑल्सो एंड फर्दर करोजन रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली बेरिंग मटेरियल मस्ट हैव गुड करोजन रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको मालूम है हाई टेम्परेचर्स पर ऑक्सीडेशन हो जाता है लुब्रिकेंट्स का, जिसकी वजह से करोसिव केमिकल्स जनरेट होते हैं। सो उसको भी बियर करने का क्वालिटी बेरिंग मटेरियल पे होना चाहिए, नहीं बेरिंग मटेरियल मस्ट हैव गुड करोजन रेजिस्टेंस। एंड एट लास्ट द कॉस्ट ऑफ बेरिंग मटेरियल मस्ट बी लो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो किसी भी बेरिंग मटेरियल में होनी चाहिए। आगे बढ़ते बात करते कुछ बेरिंग मटेरियल्स की यहाँ पर और उनके कुछ एप्लीकेशंस की। तो देखेंगे तो सबसे पहले बेरिंग के कुछ मटेरियल्स जो यूज होते हैं, दैट इज मोस्ट पॉपुलर मटेरियल फॉर बेरिंग्स इज योर बैबिट मटेरियल, एंड ड्यू टू इट्स सिल्वरी वाइट कलर इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट मेटल्स। तो इसके क्या कंपोजिशंस हैं, इसके कुछ कंपोजिशंस होते हैं, लेड बेस होता है और ये आपका टिन बेस होता है। तो इसके बेसिस पे कुछ कंपोजिशंस हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस हैं अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम बात करें कि कुछ बेरिंग के लिए हम ब्रॉन्ज भी आपका मटेरियल एज अ बेरिंग मटेरियल यूज करते हैं। इसके बाद हम देखें तो कॉपर और लेड का एलॉय है, इसे भी एज अ बेरिंग मटेरियल यूज किया जाता है। एल्युमिनियम एलॉयज भी एज अ बेरिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं। इसके
उसके बाद प्लास्टिक्स भी आपके एज अ बेयरिंग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, और एट लास्ट सेरेमिक्स. दीज आर सम ऑफ द मटेरियल्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग बेयरिंग्स. तो अभी इन पे हम बात करेंगे कौन सा मटेरियल कहाँ पे बात करते हैं, कब यूज होगा, किसका क्या एप्लीकेशन होगा, यानी किस मटेरियल का बेयरिंग किस एप्लीकेशन पे यूज किया जाएगा, इस पर डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. बात करते हैं, यहाँ पर एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां पर कुछ ग्रेड दिखाई गई है, और इन ग्रेड्स के बेसिस पे ही आप देख सकते हैं इस ग्रेड की कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आप उनके एप्लीकेशन दे सकते हैं. तो ये जो ग्रेडिंग दिखाई जा रही है, ये बेसिकली बेबिट, जो बेबिट मटेरियल है उसके लिए है. तो जैसे बताया कि बेबिट मटेरियल आपका लेड बेस भी है और आपका टिन बेस भी है, अकॉर्डिंगली आप इनके कॉम्पोजिशन देख सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, G90 ग्रेड है एक मटेरियल का, जिसका कॉम्पोजिशन देखें तो टिन बेस है बेसिकली. तो इसका जो 90 इंडिकेट्स इस परसेंटेज ऑफ टिन हियर एंड 3% ऑफ द कॉपर एंड रेस्ट इज योर दिस लेड. इसके बाद हम बात करते हैं G84% टिन, SB 10%, 5.5% copper and remain is your lead. So these two kinds of grades, G90 and G84, is being used in petrol and diesel engines bearings mostly. So in engines ki bearings ke liye use karne ke liye G90, G84 aapka material use ho raha hai. Iske baad hum dekhen to marine applications ke liye, marine applications means underwater applications ke liye, हमारा G75 ग्रेड यूज होता है, जिसमें 75% टिन है, 11% SB है और 3% कॉपर है, और रिमेनिंग आपका अमाउंट जो कंपोजिशन का है वो आपका लेड का है. सो इस तरीके से आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनकी आपकी ये ग्रेड्स हैं, उनकी उनकी कंपोजिशंस हैं और इनके ये आपके एप्लीकेशंस हैं. तो ये कुछ हैं. इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, बात करते हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं लाइक सिंटर्ड मेटल. तो सिंटरिंग प्रोसेस आपने पढ़ा पाउडर मेटलर्जी के अंदर, तो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू भी बेयरिंग्स बनते हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक कंपोनेंट है जो कि पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बना हुआ, एक तरह से बेयरिंग ही है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग है. तो इसकी क्या खूबियां है, कैसे बनता है, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस होते हैं पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस जिसके थ्रू इन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है. अब इनकी खास बात क्या होती है इस पे बात करते हैं. तो सिंटर्ड मेटल बेयरिंग्स के अंदर क्या होता है कि ये पाउडर से बनते हैं, मेटल पाउडर से बनते हैं, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बनते हैं. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये थोड़ा जो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से कंपोनेंट बनते हैं ये पोरस होते हैं. पोरस मीन्स थोड़ा सा गैप होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में. तो इस गैप में क्या करते हैं, हम लुब्रिकेंट फिक्स फिलअप कर देते हैं. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बेसिकली इम्प्रिग्नेशन. तो इम्प्रिग्नेशन प्रोसेस के थ्रू उस कंप्रेस्ड मेटल पाउडर पार्ट के अंदर हम 20-30% तक लुब्रिकेंट को फिल अप कर देते हैं. तो जिससे कि क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो बेयरिंग है, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग हो जाता है. यानी वी नीड नॉट टू सप्लाई एनी एक्सटर्नल लुब्रिकेंट. इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपके जो सिंटर्ड मेटल बेयरिंग्स हैं, एक कॉपर बेस हो सकते हैं. कॉपर बेस होने के पर इनके एक ओरिजिन रेजिस्टेंस अच्छा रहता है. इसके बाद इनका जो परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर है, जिस जो ये बियर कर सकता है, वो 16 न्यूटन प्रति मीटर तक का ये प्रेशर बियर कर सकता है. इसके बाद हम बात करते हैं आयरन बेस पे, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं आयरन बेस, जिनका बेस मेटल क्या है, आयरन है. तो इनकी खास बात क्या है कि डेफिनेटली कॉपर के कंपैरिजन इनका स्ट्रेंथ बेयरिंग प्रेशर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. तो आयरन बेस कंपोनेंट्स कैन बेयर 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर प्रेशर. एंड एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, टेक्सटाइल मशीनरी के अंदर और ये मशीन टूल्स के अंदर इस तरह के बेयरिंग्स, यानी सिंटर्ड मेटल बेयरिंग्स के अंदर इनको हम यूज कर सकते हैं. सो दैट इज द स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेटल यूज फॉर योर बेयरिंग्स. तो रिलेटेड क्वेश्चन विद दिस टॉपिक is first, that is state any four desirable properties of a good bearing material. इसका आंसर आप कर सकते हैं. What are the advantages and disadvantages of babbitt materials? इसके बाद
where do you use sintered metal bearings, इनका कहाँ पर यूज है, एंड सम डेफिनेशंस लाइक एम्बेडेबिलिटी एंड कंफर्मेबिलिटी. मिस क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर. डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स बाय बीबी भंडारी फ्रॉम मैग्रा हिल पब्लिकेशन. दिस बुक इज बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द एंटायर कंटेंट. सो स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वॉचिंग दिस कंटेंट. इफ यू लाइक दिस कंटेंट सो सब्सक्राइब इट फॉर फ्यूचर अपडेट्स. Thank you very much.